नमस्कार दोस्तों, सीपीएस ज्योतिष केंद्र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ओम गुरुदेवाय नमः। दोस्तों, मीन राशि वाले लोगों को इतने दिनों से जो भी समस्या आ रही थी, जो भी बाधाएं आ रही थी, उनका अब शीघ्र ही निवारण होने वाला है, क्योंकि 13 अप्रैल 2022 से देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के लग्न भाव में होंगे, जो कि बेहद शुभ समय आ गया है मीन राशि वालों के लिए। काफ़ी लंबे समय के बाद में देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के लग्न भाव में स्थित होंगे। गुरु के इस राशि परिवर्तन से लगभग सभी राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन 8 राशियों पर विशेष तौर से प्रभाव पड़ेगा, जिसमें से सबसे ज़्यादा लाभ मीन राशि वालों को होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के स्वामी हैं। मीन राशि के लोगों पर सदा ही देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद बना हुआ रहता है। तो इस एक वर्ष की अवधि के दौरान 13 अप्रैल 2022 से लगभग एक वर्ष तक गुरुदेव बृहस्पति मीन राशि के लग्न भाव में स्थित होंगे। इसके कुछ बीच समय में गुरुदेव बृहस्पति वक्री भी रहेंगे, जिसका कि मीन राशि के जातकों के लिए बेहद अच्छा परिणाम इनको मिलेगा। गुरुदेव बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से मीन राशि के जातकों को बेहद ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, और मीन राशि वाले जातकों की जो तरक्की रुकी हुई थी या फिर जो कार्य इनके रुके हुए थे, उन कार्यों का शीघ्र ही समाधान होगा। देवगुरु बृहस्पति इस एक वर्ष की अवधि के दौरान 13 अप्रैल 2022 से एक वर्ष तक जो इनकी अवधि रहेगी, उसके दौरान आपको क्या कुछ देंगे, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम गुरुदेवाय नमः लिखें। तो आइए जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के लोगों को इस एक वर्ष की अवधि के दौरान क्या कुछ देंगे और क्या कुछ मीन राशि के जातकों को लाभ होगा। तो सबसे पहले जानते हैं, बात करते हैं जिन भी लोगों की शिक्षा रुकी हुई थी या फिर शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में जो लोग कार्य कर रहे थे, उन लोगों को बेहद अच्छी सफलता मिलेगी इस एक वर्ष की अवधि के दौरान। जिन लोगों की शिक्षा रुकी हुई थी और जो लोग अभी पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये समय बेहद अच्छा होगा शिक्षा के लिए। तो शिक्षा के लिए मीन राशि के लोगों को विशेष तौर से लाभ मिलेगा। जो लोग अपने नौकरी, व्यवसाय या फिर अपनी जॉब में परिवर्तन करने का जो भी इस समय पे सोच रहे थे, इस अवधि के दौरान किया गया परिवर्तन विशेष तौर से लाभकारी होगा। ऐसे में जॉब में, व्यवसाय में, व्यापार में, नौकरी में, सब में इनको तरक्की मिलेगी। जो लोग अपना नया घर बनाना चाहते हैं या फिर नया घर बनाने की सोच रहे हैं या फिर बना बनाया घर लेने की सोच रहे हैं, उन लोगों को इस एक वर्ष की अवधि के दौरान घर ले लेना चाहिए या फिर बना लेना चाहिए। इस अवधि के दौरान लिया हुआ घर बेहद शुभ कहलाएगा मीन राशि वालों के लिए। जो लोग अपने संतान से संबंधित दिक्कतों का सामना कर रहे थे या फिर संतान से संबंधित बाधाएं जिन व्यक्तियों को हो रही थी, उन लोगों को अब चिंता मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि इस एक वर्ष की अवधि के दौरान संतान संबंधी बाधाएँ हर व्यक्ति की दूर होगी। जिन लोगों को अभी तक अपने काम के प्रति नाराज़गी प्रतीत हो रही थी, उन लोगों को अपने काम की प्रशंसा मिलेगी और अपने नौकरी या फिर व्यापार क्षेत्र में ऐसे लोगों की काफ़ी प्रशंसा की जाएगी। जो लोग इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, कला का या फिर कुछ भी मेटलिस्टिक डिज़ाइन का वर्क सीख रहे थे, उन लोगों को सफलता मिलेगी इस एक वर्ष की अवधि के दौरान। इस समय पर नया काम करने की सोच रहे थे या फिर जो करना चाह रहे हैं, वो लोग इस अवधि के अंतर्गत जो भी कार्य करेंगे तो उनको लाभ ही होगा, क्योंकि इस अवधि के दौरान किया गया परिवर्तन मीन राशि वाले जातकों के लिए बेहद शुभ साबित होगा और इनको इस क्षेत्र में या फिर अपना जो भी काम इनका होगा उस क्षेत्र में उनको सफलता अवश्य रूप से मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद।